हेलो गाइस, तो आज जो हम कोई भी ट्रायल वॉक्स नहीं बना रहे, आज जो है हम रिव्यू वीडियो बनाने जा रहे हैं। हम जो ब्लॉगिंग सेटअप, जैसे मैं ब्लॉग करता हूँ, मोटो ब्लॉग सेटअप, आज हम दिखाएंगे आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो एकदम डिटेल्स में बताएंगे। आवाज़ जो है काफ़ी, मतलब जितना भी अच्छा क्वालिटी से आवाज़ आए ऐसा हम डिटेल्स देंगे, क्योंकि हम जब मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो बहुत ही सुंदर आवाज़ आता है। हम सब कुछ डिटेल्स में देंगे। सबसे पहला जो है पाँच चीज़ का आपको जरूरत पड़ेगा। पहला है हेलमेट, एकदम अच्छा सा एक हेलमेट ले लीजिए, क्योंकि इसमें एक्शन कैमरा जो माउंट होगा, देख सकते हो मैं भेगा का यूज़ कर रहा हूँ या तो ये जो है भेगा का हेलमेट यूज़ कर रहा है, ये फर्स्ट है। आप हाफ फेस हेलमेट का मत बोलिएगा, उसमें फिटिंग नहीं होगा, पहला बात। और दूसरा है जो इसका जो माउंट है, यहाँ पर ऐसा हेलमेट चूज़ करिए कि यहाँ माउंट लग जाए। मैं जो ये माउंट यूज़ करता हूँ, जैसे कि एक्शन प्रो का है, ये यहाँ पर लग जाता है। इधर में मैं शील नहीं लगाया, क्योंकि हेलमेट बिगाड़ देता है ये। जब मेरा मन चाहे ये हटा देता हूँ, जब एक्शन कैमरा लगाना होता है तो इससे मैं लगा देता हूँ। ये दो सामान आपको। और तीसरा सामान जो है, एक अच्छा सा माइक का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि मैं ये माइक यूज़ करता हूँ, माउनो का माइक है, 400 भी आता है, 400+ है, उससे फार बेटर ये काम करता है। मैं बहुत ही ट्राई किया हूँ, पहाड़ में जाकर ट्राई किया, एकदम बेस्ट माइक है ये, आप ले सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हो गया तीसरा सामान। और चौथा सामान जो आपको चाहिए वो है इस तरफ का माउंट, जिससे आप कैमरा को माउंट करेंगे। ये माउंट तो मिल ही जाएगा इजीली, तो आप लोग ये ले सकते हो। और लास्ट बट एकदम मतलब कि आपको ज़रूरत ही है, इसका बिना तो मोटो ब्लॉग सेटअप बनेगा ही नहीं, ये है एक्शन कैमरा, यानी कि मैं यूज़ कर रहा हूँ GoPro हीरो 9, देख सकते हो, या GoPro हीरो 9 यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये है पांच आइटम आपको ज़रूरत पड़ेगा। अगर ये आपके पास नहीं होता है इसमें से एक भी चीज़, तो वीडियो मोटो ब्लॉग जो अच्छा नहीं बनेगा। और GoPro जो है ना, इसका इससे आप मोटो ब्लॉग बनाओगे तो आवाज़ काफ़ी अच्छा आता है। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है। SJ कैमरा भी था पहले, बट उसका जो मोटो ब्लॉगिंग का मस्त नहीं आ रहा था। GoPro का अलग ही लेवल का होता है। तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, तो एक बार में बेस्ट इन्वेस्टमेंट करें और ये सेटअप दिया। मेन जो है मैं भूल गया था, वो है मीडिया मोड, इसके साथ कनेक्ट होगा। ये मीडिया मोड के वजह से यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ रहता है, जैसे कि ये 3.5 mm जैक, यहाँ पर माइक आप अडेप्ट कर सकते हो। विदाउट इसका तो पॉसिबल नहीं है, माइक अडेप्टर भी मिल सकता है, और ये भी आप ले सकते हो। मैं मीडिया मोड लिया हूँ, काफ़ी झंझट ना हो, क्योंकि ईजिली ये सेट हो जाता है। अगर आप माइक अडेप्टर लेना जाओगे तो उसके लिए एक अलग से केस खरीदना पड़ेगा, उलान जी का बहुत झंझट है, तो इसलिए मैं वो नहीं लिया। ये लाइट वेट है काफ़ी, इसमें अभी फिट कर दें, दिखा दें। हाँ, तो बस अभी जो है मैं ये हेलमेट में ये पूरा माउंट सेटअप करूंगा, एक्शन कैमरा सेटअप करूंगा, माइक जो है माइक किस तरह सेटअप कर रहा हूँ, देख माइक भी मैं दिखा दूंगा डिटेल्स। पहले ये सेटअप करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। काट दे। हेलमेट का मैं सेटअप किया, ये माउंट काफ़ी तगड़ा है, ऐसा नहीं कि मैं ऑफ रोड इससे बहुत लंबा राइड भी कर चुका। आप लोग मेरे चैनल में जाके देख भी सकते हो कितना लंबा राइड कर चुका। ये बहुत ही अच्छा है और कुछ प्रॉब्लम नहीं आया आपको। ये देख सकते हो, जैसे GoPro यहाँ फिट कर दिया, उसके बाद जो है ये माइक देख सकते हो, माइक जो है मैं हेलमेट के अंदर लगाया हूँ। ये देख सकते हो, ऐसा हेलमेट ले कि आप ये पेट निकल जाए, पेट के अंदर में आप अगर पूरा केबल जितना भी है पेट के अंदर में कोई प्रॉब्लम झंझट नहीं है, बाहर नहीं रहेगा। और ये जो माइक दिखाने के लिए मैं निकाला हूँ, ये माइक को भी मैं अंदर ही डालूंगा, जैसे कि दिखा देता हूँ। ये जो है इस तरह से, ये जो साइड में है ना, साइड इतना, ये साइड में ऐसे करके यहाँ से इतना निकल जाएगा ताकि बोलने में आसानी हो। और ये माइक, इसके बाद मैं ये वाला बटन लगा देता हूँ, ये हो गया। इतना माइक निकला रहना चाहिए गाइस, ताकि आप बोलोगे तो अच्छा से कैप्चर हो जाए। हाँ, या उसके बाद ये जो है, ये केवल मेन है, ये केवल आपको जरूरत पड़ेगा 3.5 mm जैक को मीडिया मोड से कनेक्ट करने के लिए। TRRS केवल मेरे स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो, मैं अभी दिखा दूंगा, देख सकते हो, जैसे कि ये वाला केवल बेस्ट लगा। इससे पहले मैं और एक TRRS केवल मैं परचेस किया था, वो बढ़िया से काम नहीं किया। इसका प्राइस हाई है बट बहुत ही सुंदर है, इसी पे आप आँख बंद करके जा सकते हो, कभी भी साउंड में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं बहुत ही चेकआउट किया हूँ तभी आपको बोल रहा हूँ, ये TRRS केवल। अब इसको फिट करते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये जो माइक है, माइक के यहाँ पर ही इसको हम लगा देंगे ऐसे, या बस
तो ये हो जाता हम लोग का मोटो ब्लॉगिंग सेटअप, कुछ इस तरफ से ऐसा दिखेगा आपको। साइड लुक देख सकते हो, सामने से दिखा दे और पूरा देख सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग के मन से जितना एडजस्ट करना रहेगा एडजस्ट भी कर सकते हो, काफी बढ़िया। और इस तरह से मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप आएगा। एक बार मैं पहन के भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो कुछ इस तरह का सेट मिलेगा आपको, ये देख सकते हो। और ये माइक का ये कनेक्टर देख सकते हो, यहाँ से कनेक्ट हुआ है। बाकी मोटो ब्लॉगिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये जो मीडियम मोड लिया हूँ ना मैं, क्यों लिया हूँ, क्योंकि ये जो लाइट वेट है, माथा में कुछ मतलब ज़्यादा भारी नहीं आएगा। उलांजी केस लोगे उसके बाद माइक एडेप्टर लोगे तो वो कुछ ज़्यादा वेट हो जाएगा। इसके वजह से मैं ये मीडियम मोड में गया था और ऑफर प्राइस में लिया था, काफ़ी कम दाम में। तो यही है ब्लॉगिंग सेटअप देख सकते हो या। और हेलमेट भी काफ़ी अच्छा है, भेगा का है। और ये वाइजर ऑफ करने के बाद भी आप लोग वाइजर, ये जो है ना, आप लोग सोचते हो कि ये लगाने के बाद वाइजर ऑफ नहीं होगा, ये तो भी ऑफ हो जाता है, देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा वाइजर ऑफ करने में, तो बहुत बढ़िया ये सेटअप। अभी जो है मैं ये सेटअप से साउंड किस तरह से आता है, वीडियो किस तरह का कैप्चर होता है वो दिखाऊंगा। मिलते हैं अब डायरेक्ट गोप्रो व्यू में, इन लाइक 3, 2, 1। अभी देख सकते हो मैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कर चुका हूँ, जैसे कि देख सकते हो मिरर में इसे ऑन है अभी। और TRS केवल कुछ इस तरह का लग रहा है, माइक से कनेक्टेड है। बाकी अभी आवाज़ देख सकते हो, ये माइक बहुत ही सुंदर लगा है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा आता है। अभी जो हम लोग एकदम पहाड़ में है, जैसे देख सकते हो आप लोग, तो पहाड़ में अभी चढ़ेंगे, हवा यहाँ पर काफ़ी तेज़ मारता है, तो मैं वाइजर ऑन ऑफ करके भी साउंड आपको सुना दूंगा। तो अभी चलते हैं, चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है पहाड़ में, नीचे उतरते टाइम बहुत स्पीड भी आएगा, तो उस टाइम भी आवाज़ सुना दूंगा, अभी आप लोग सुन लीजिए तब तक। या अभी देख सकते हो आवाज़ किस तरह का आ रहा है, चेकआउट कर सकते हो। हवा जो है काफ़ी तेज़ आ रहा है, बट GoPro में सिस्टम होता है हवा को जो है कंट्रोल करने का, जैसे आप हवा मुझे लग रहा है, बट साउंड में देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आवाज़ आ रहा है। अभी वाइजर ऑन खुला हुआ है तो भी इतना अच्छा आवाज़ आ रहा होगा। माइक बहुत अच्छा है, आप लोग जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा फुल डिटेल्स में माइक का। अभी स्पीड चेक कर सकते हो, ऊंचाई है बोल के 40 का स्पीड है, फिर भी देख सकते हो काफ़ी अच्छा वॉइस आ रहा होगा। अभी मैं वाइजर ऑफ़ करता हूँ, फिर साउंड देखिए। अभी जो है वाइजर ऑफ है तो अभी एकदम क्लियर आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि अभी जो वाइजर ऑफ़ करने के बाद एक भी हवा नहीं ढुकता है अंदर, तो अभी आवाज़ सुन सकते हो आप लोग। या काफ़ी सुंदर आवाज़ आ रहा है। हाँ तो गाइस अभी जो हम लोग डाउन जा रहे हैं, देख सकते हो बिना एक्सेलरेट का इतना स्पीड अभी पकड़ लिया है 40। और अभी जो हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ रहा है, तो वॉइस किस तरह से आ रहा है एक बार आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो वाइजर जो है खुला हुआ है, तो वॉइस अच्छा आ रहा होगा, देख सकते हो सुन सकते हो आप लोग। और स्पीड देख सकते हो 50 पहुँच चुका है हम लोग का स्पीड। और अभी हम वाइजर को बंद करते हैं, फिर दिखाते हैं स्पीड कैसा आ रहा है। या अभी 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 तो बहुत ही बढ़िया आ रहा होगा, क्योंकि वाइजर अभी बंद है, तो या आवाज़ सुन सकते हो गाइस। तो बहुत ही सुंदर माइक है ये, आप लोग ले सकते हो, ये माइक के लिए भी जा सकते हो, काफ़ी बढ़िया माइक है। या तो आज का ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं गाइस। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक का ऑप्शन जो है हमेशा फ्री रहता है, तो एक लाइक करने में आपको कुछ भी नहीं आएगा, बट हम लोग का जो है मोटिवेशन आ जाएगा, तो एक लाइक कर दीजिए गाइस। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में, तब तक के लिए ईट स्लीप एंड रिपीट, साइनिंग आउट, टेक केयर।